guess I just wanna go, go, go to the deep end. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। अगर फ्रेंड्स आपके पास है आईटेल का A49 और इस फोन में आप करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं और क्या क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग देखने को मिल जाती है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को देखिए कंप्लीट और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो कंट्रोल सेंटर है, इस तरीके से आप इसको ओपन करिए और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं या देखने को मिल जाता है कोने में, सिंपली इस पर टैप एंड होल्ड कीजिए तो आप इसकी सेटिंग में आ जाते हैं, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो सेटिंग होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो क्या क्या सेट कर सकते हैं इसके बारे में आपको बता दूं। साउंड पर जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप दो तरीके से इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। एक तो है वॉइस सहित स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अगर इस पर सेलेक्ट कर देंगे और स्वेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जो चल रहा होगा वो और साथ में जो आप बोलते हैं दोनों ही ऑडियो आपके एक साथ रिकॉर्ड हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं केवल आपकी जो स्क्रीन में आवाज आ रही है वो रिकॉर्ड होना चाहिए तो ऐसा अवेलेबल नहीं हो सकता। इस फोन के अंदर दोनों ही ऑडियो एक साथ रिकॉर्ड होती है। इसके बाद आपको पिक्चर क्वालिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप तीन टाइप से इसको सेट कर सकते हैं, हाई, मीडियम एंड लो। जिस पे रखना चाहें उस पे सेलेक्ट करके आपको स्योर पे क्लिक करना है। अब एक और ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि रहता है रिकॉर्ड स्क्रीन क्लिक पोजीशन। अगर इसको इनेबल करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते समय आपने जहां जहां टैप किया होगा वो आपको स्क्रीन रिकॉर्ड में नजर आ जाएगा, मतलब दिखा दिया जाएगा कहां कहां आपने टैप किया था। तो इस तरीके से आपको ये सेटिंग देखने को मिल जाती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो इसके लिए आपको फिर से कंट्रोल सेंटर ओपन करना होगा और यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो आपसे फिर से पूछा जाएगा किस टाइप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, साइलेंट या फिर विद वॉइस की। तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है और नहीं बार बार चाहती है शो होना चाहिए तो आपको डोंट आस्क अगेन पर क्लिक करके स्टार्ट पर क्लिक कर देना होगा। तो आपके सामने 3 सेकंड का टाइम चलेगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा इस फोन के अंदर। तो इस तरीके से इसको आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। जो आपको एक जो क्लिक पोजिशन होता है इसका स्क्रीन रिकॉर्डर का, उसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपका ये चालू हो जाता है। सेव करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए तो ये आपकी सेव भी हो जाएगी। तो इस टाइप से इस फोन में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।